अभी हम जड़ी बूटी के संदर्भ में आज जिस वृक्ष के संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं, उस वृक्ष का जो उपकार है, उसके उपकार से लगभग हम हर भारतवर्षी उपकृत हैं। हर घर में शीशम की लकड़ी का बना हुआ शायद कोई भी सामान न हो, ऐसा आपको मुश्किल से ही मिलेगा। यह जो भव्य वृक्ष है, इसकी जो गुणवत्ता है, यह सिर्फ हमारे फर्नीचर के लिए नहीं, हम आयुर्वेद की दृष्टि से औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम डालवर्जिया शिशु, इसका बॉटनिकल नाम है, इसको पंजाब के क्षेत्र में टाली भी बोलते हैं। ये फर्नीचर के रूप में सभी लोग इस वृक्ष से परिचित हैं। आज हम इस वृक्ष को फर्नीचर के रूप में नहीं, अपितु एक औषधीय वृक्ष के रूप में आपसे परिचय कराने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे यह विशाल वृक्ष देख पा रहे हैं। यह इसका एक मध्यम साइज का यह वृक्ष है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 100 फीट तक जाती है और यह बहुत विशाल वृक्ष होता है। ये इसकी इस तरह की, इसके अंदर ये फलियां जैसी आती हैं और यह इसके पत्र हैं। और औषधि के रूप में ज़्यादातर हम इनके बहुत कई सारे भागों को प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ में यह जहाँ पर भी यह वृक्ष होता है, इसकी जो छाया होती है बहुत शीतल होती है, गर्मी को शांत करने वाली होती है। और इसके छाया के नीचे बैठने मात्र से उसके जो परमाणु हैं, वो ऐसे परमाणु हैं कि जो गर्मी के जो रोग हैं, जो इस तरह की उष्णता की जो बीमारियां हैं, वह दूर हो जाती हैं। इसके बहुत सारे प्रयोग आयुर्वेद में बताए गए हैं। उन प्रयोगों में से हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे रोगी जो और किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो पा रहे थे, हमने मात्र शीशम के पत्तों के सेवन से उनको ठीक किया। हालांकि सभी जगह पर यह लगभग पाया जाता है। ये घर में गमलों में तो आप इसको नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी पौधे हम घर पे लगा सकते थे, उनके लिए आपसे यही निवेदन किया कि हम घरों में लगाएं। पर शीशम के लिए इतना ज़रूर मैं कहूँगा, जिस किसी के खेत खलिहान में या जंगल में आपको शीशम का वृक्ष दिखाई दे, तो उसको बढ़ाने का हम प्रयत्न करें। शीशम के पेड़ों को हम बढ़ाने में सहयोगी बने। यह शीशम का वृक्ष औषधि में भी यह एक दिव्य वृक्ष है। इसके जो पत्तियाँ, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो पत्तियाँ हैं वो बहुत शीतल हैं। शीतलता के साथ में यह बहुत पौष्टिक हैं। तो जितने भी गर्मी संबंधी बीमारियाँ हैं या जो कमजोरी संबंधी परेशानियाँ हैं, उनको हम इस शीशम के प्रयोग से ठीक कर सकते हैं। यदि किसी के आँखों में लालिमा है, वह बहुत दिन से आँखें दुखती हैं, हमेशा दर्द रहता है, ऐसी स्थिति में साफ बिना सड़े गले ताजे शीशम के पत्तों को लेकर के आप उन पत्तियों को बहुत अच्छी तरह से आप पीसें। साफ़ जगह पर होनी चाहिए, या तो आप उसको मिक्सी में पीस सकते हैं या आप सिल बट्टे पर पीस सकते हैं। पीस करके उसकी टिक्कियाँ बना लें, एक इतनी सी बड़ी टिक्की बना लें आँख के साइज़ के, और बना करके आप उस टिक्की को आँख पर रख करके पट्टी बांध लें। आप देखेंगे इससे जो आँख की जलन है, आँख की लालिमा है, वह तुरंत प्रभाव से उसमें आपको इससे लाभ मिलेगा। इस प्रयोग को आप कुछ दिन तक कर सकते हैं। इसका जो दूसरा जो विशेष जो गुण है, वह गुण यह है कि आप इस शीशम के पत्ते को, यदि जो पशुओं का जो थनेला रोग है उसके लिए भी यह बहुत लाभकारी है। इस शीशम को पीस करके यदि पशुओं के
थनों पर लगा दिया जाए तो उससे जो उनका जो थनेला रोग है वह दूर हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इन पत्तों को पीसें, अच्छी तरह से पीस करके फिर उसके थन पर धीरे धीरे पशु के थन पर लगा करके छोड़ दें। ये लगभग 8-10 घंटा प्रतिदिन इसी तरह से आप कुछ समय तक लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे ये थनेला का जो रोग है, हमारे किसान भाई जानते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है। वो पशु का पूरा थन खराब हो जाता है उससे, और उस थन में से दूध भी नहीं आने लगता, और दूध ना आने की वजह से दूध की मात्रा भी कम हो जाती है। तो उसके लिए यह एक दिव्य औषधि है, क्योंकि जहाँ कहीं हमारे देश में खेत है, लगभग उन खेतों में, उन खलिहानों में शीशम का वृक्ष एक सदाबहार एक छाया को देते हुए और किसानों का उपकार करता हुआ सब जगह विद्यमान है। यह एक औषधीय पेड़ है जो थनेला रोग है उस थन की बीमारी को दूर करने के लिए शीशम के पत्तों को पीस करके लगाना बहुत लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त जिन माताओं बहनों का कम दूध उतरता है उसके लिए भी इसका जो लेप है उस लेप को लगाने से ज़्यादा दूध उतरने लगता है, और विशेष करके माताओं बहनों का डिलीवरी के बाद में उनके जो स्तन में ढीलापन आ जाता है या दूध नहीं उतरता है, दोनों ही स्थिति में इस शीशम के पत्तों को यदि पीस करके माताएं बहनें स्तन पर लगा लेती हैं तो स्तन इससे सुगठित होकर के और बच्चों के लिए जो पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं उतर पाता है दूध उतरना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि स्तन पे गांठ है, क्योंकि बहुत बार आज देश की बहुत बड़ी आबादी कैंसर से पीड़ित है, और उनमें माताओं बहनों में होने वाला जो कैंसर है यह बहुत कष्ट की बात है कि अधिकांश कैंसर वह स्तन कैंसर होता है। स्तन कैंसर सबसे ज़्यादा होता है जहाँ तक हमें जानकारी है। स्तन कैंसर से बचने के लिए भी यदि शुरू में स्तन के अंदर कोई हार्डनेस है, उसके अंदर कोई सख्त बना है या ऐसा लगता है कहीं गांठ बन रहा है, उस स्थिति पर भी यह एक निरापद प्रयोग है। शीशम के पत्ते को पीस करके नियमित रूप से स्तन पर लगाने से वह गांठ पिघल जाता है और स्तन सही स्वरूप में आ जाता है। और यदि दर्द हो तो इसके पत्तियों को बिना पीसे आप देख रहे हैं, इन कुछ पत्तियों को तोड़ करके इसको गर्म कर करके इन पत्तियों को गर्म करके कुछ पत्तियां तवे पे गर्म करें, थोड़ा सा इसमें गाय का घी या सरसों का तेल लगा सकते हैं, लगा करके स्तन के ऊपर बांध दें, क्योंकि बाकी औषधियां संपूर्ण शरीर के दर्द के लिए बहुत उपयुक्त हैं, परंतु स्तन के लिए यह एक बहुत उपकारी और महत्वपूर्ण पौधा है। स्तन दर्द में इन पत्तों को सेक करके आप बांध लें तो आप देखेंगे गर्म करके बांध लें, गर्म करके बांधने से आप पाएंगे कि इसका दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके लिए यह बहुत एक दिव्य पौधा है। तो हमने जाना कि किस तरह से ये शीशम के पत्ते हमारे स्तन रोगों में, चाहे वह पशुओं से संबंधित स्तन की परेशानी है, थनेला रोग की परेशानी है, उसके अंदर गांठ है, या माताओं बहनों में स्तन की परेशानी है, गांठ है उसके लिए, या दूध को बढ़ाने के लिए और स्तन की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि आज इस फैशन के ज़माने में हर कोई सुंदर बनना चाहता है और माताओं बहनों में भी इस तरह की प्रवृत्तियां बन रही हैं, तो उसके लिए आप अपनी सुंदरता को मात्र शीशम के पत्तों का प्रयोग करके बरकरार रख सकती हैं, तो इसके लिए यह बहुत उत्तम है। इसके अतिरिक्त जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उस स्थिति में गर्मी की शिकायत में आप शीशम के कुछ 5-7 पत्तियों को तोड़ करके और उसको पीस करके उसमें पानी मिला करके मिश्र मिला करके शरबत की तरह से आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो एक यह बहुत ही अच्छी औषधि है गर्मी के लिए, गर्मी से संबंधित रोगों के लिए। एक घटना मुझे स्मरण हो आती है, हम लोग राजस्थान में शिविर लगा रहे थे, आज से लगभग यह कोई 15 साल पहले की घटना है। तो जब शिविर लगा रहे थे वहाँ पर एक सज्जन, गांव के सज्जन आए, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग की शिकायत थी, वो बहुत दिन से
बहुत महीनों से बिस्तर में पड़ी हुई थी, बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया, कई बार हमने ब्लड भी चढ़ाया पर वो ठीक नहीं हो पाई। फिर बाद में एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि इसको ये दवाई दे दो और वो पत्नी ठीक हो गई। हमने कहा वो क्या दवाई थी, तो उन्होंने हमें खेत में ले जा कर के इस शीशम के वृक्ष को दिखाया, तो उन्होंने बताया उस समय से हम नियमित रूप से इसका प्रयोग लगभग आज तक हम समझते हैं कि हजारों लोगों के ऊपर करा चुके हैं, और आस्था चैनल के माध्यम से श्रद्धेय स्वामी जी के मुखारविंद से लगभग लाखों लोगों ने इसको अपनाया होगा। तो यह बहुत शीतल होता है, हम कहते हैं कि शीशम के पत्तों को घोट करके पिएं, तो सर्दी का मौसम है तो थोड़ा काली मिर्च मिला लें। अभी कुछ दिन पूर्व की घटना है, राजस्थान के ही एक सज्जन थे, कहने लगे कि मुझे कि रुक रुक करके पेशाब होने की शिकायत थी, मैंने शीशम के पत्तों का सेवन किया और अभी भी लगभग 5-6 साल से करता हूँ और मेरी जो पेशाब की परेशानी है बिल्कुल ठीक है। निश्चित रूप से वह मूत्र कृच्छ्र में जो रुक रुक करके पेशाब होता है, खुल करके पेशाब नहीं होता है, उसके लिए यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। उसके साथ साथ में उन्होंने 2 लाइनें और लिखी थी, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप कहते हैं कि शीशम के पत्ते यदि सर्दी में ज़्यादा पियोगे तो ठंडे हो जाओगे, मैंने कभी काली मिर्च नहीं मिलाया और शीशम के पत्तों को सर्दी में भी पिया पर मैं ठंडा नहीं हुआ, आज तक ठीक हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपकी प्रकृति बहुत ज़्यादा गर्म वाली है, पित्त वाली है, तो हो सकता है कि इसकी सर्दी से आपको कोई परेशानी ना हो, पर यदि कोई कफ प्रकृति वाला ले लेगा तो मैं समझता हूँ कि सर्दी में शीशम के पत्तों के सेवन के लिए ज़रूर काली मिर्च मिलाकर के लेनी चाहिए, और इससे ज़्यादा सर्दी लगती है तो मात्रा थोड़ी कम कर देनी चाहिए, इतनी ही सावधानी की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इस शीशम के पत्ते के अंदर जो एक दिव्य गुण है वह है विष को समाप्त करने वाला गुण। तो शीशम के पत्तों को उबाल करके यदि उस पानी से किसी तरह से विषैली किसी जानवर ने काटा है तो उसमें थोड़े से नीम के पत्ते उबाल करके यदि हम उसको उस स्थान पर सिकाई करते हैं, झराई करते हैं, थोड़ा नमक डाल लें, थोड़े नीम के पत्ते डाल लें और शीशम के पत्ते। नीम के विषय में हम अभी स्वतंत्र रूप से और चर्चा करेंगे, तो आप देखेंगे कि उससे सूजन भी उतर जाएगी, यदि किसी कीड़े वर ने काटा है तो उसकी लालिमा भी ख़त्म हो जाएगी, ये बहुत अच्छी उसके लिए औषधि है। और जिनको स्किन की परेशानी हो, जो भयानक एक्जिमा की परेशानी हो, तो इस शीशम की जो पुरानी लकड़ी है, जो अच्छी खासी जो पुरानी लकड़ी होती है, पुरानी लकड़ी से मेरा तात्पर्य वृक्ष बहुत पुराना होना चाहिए पर सूख करके डली हुई बहुत पुरानी गली हुई लकड़ी नहीं, वृक्ष पुराना हो, लकड़ी ताजी हो, उस लकड़ी को छोटे टुकड़े कर करके या उसको मोटा मोटा कूट करके आप जैसे 1 किलो लकड़ी है तो आप 4 किलो कम से कम पानी में उसको पकाएं, लगभग 1 किलो बच जाए उसमें से उसको छान दें, लकड़ी को फेंक दें, उस पानी में लगभग लगभग आप 250 ग्राम सरसों का तेल डाल करके उसमें चाहें तो थोड़े से नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं, नहीं तो आवश्यकता भी नहीं है, उसको आप उबाल करके इतना पकाएं कि धीरे धीरे पकाते पकाते वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और सिर्फ सरसों का तेल शेष रह जाएगा, फिर आप छान करके उसको शीशी में भर करके रख लें। इस तेल का प्रयोग आप समस्त तरह के जो चर्म रोग हैं, खाज, खुजली, दाद, इसमें आप बड़ी निर्भयता के साथ प्रयोग कर सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी और यह दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त जिनको धातु की शिकायत है या जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उसमें भी यह लाभकारी है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं कि सदाबहार के पत्तियां और उसमें नीम के पत्तियां, उसमें फिर हम मिला दें कुछ शीशम की पत्तियां, यदि आप मिला करके पीते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जो धातु की बीमारी है, मधुमेह जो है वह भी दूर हो जाएगी, और मधुमेह की वजह से जो आपके शरीर में कमजोरी है, शिथिलता है, वो शिथिलता भी इससे दूर हो जाएगी। यह एक बहुत ही दिव्य अच्छी औषधि है। इसके अतिरिक्त जिनको बहुत ज़्यादा पीरियड के समय पेन होता है, दर्द होता है, या बहुत ज़्यादा जैसे कि अभी हमने कहा कि जो ओवर ब्लीडिंग वाली माताएं बहनें हैं उनके लिए यह एक रामबाण समान है, एक बहुत ही यह दिव्य औषधि है, इसका वो सभी सेवन करें तो आप पाएंगे यह शीशम का वृक्ष सिर्फ एक
फर्नीचर बनाने का ही सामान नहीं अपितु यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है जो आपके चर्म रोगों में, कुष्ठ रोगों में, प्रमेह, प्रदर और मधुमेह में लाभकारी है। विशेष करके माताओं बहनों से संबंधित रोगों के लिए, उनके प्रदर के लिए, उनके किसी भी तरह के ओवर ब्लीडिंग के लिए, स्तन संबंधी परेशानी के लिए यह एक दिव्य समाधान है। यह पौधा हमारे देश में लगभग सर्वत्र उपलब्ध है। आइए आज से इस शीशम को हम जानें एक औषधीय वृक्ष के रूप में, जिससे हम लाभान्वित हो सकें, अपने घर परिवार और पड़ोस को स्वस्थ रख सकें।